चीन में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लाखों केस सामने आ रहे हैं। चीन की स्थिति को देखते हुए अन्य देशों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का विषय बन गया है और भारत में भी इसके केस मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भारत में किसी भी स्थिति से उबरने के लिए उचित तैयारियां पूरी कर ली हैं। टेस्टिंग, बूस्टर डोज और विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए निर्देशों को फॉलो किया जा रहा है। क्या BF7 सब वेरिएंट से देश में अगली कोविड लहर की संभावना है? भारत में बढ़ते हुए BF7 वेरिएंट के मामलों पर वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट की क्या मत है, आइए जानते हैं। कैलिफोर्निया स्थित स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार चीन में मौजूदा कोविड केस बढ़ाने वाला BF7 वेरिएंट जैसे जेनेटिक वाला वेरिएंट फरवरी 2021 के बाद से लगभग 90 देशों में सामने आ चुका है और ये ओमिक्रॉन के BA5 सब वेरिएंट ग्रुप का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इसका बहुत अधिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी के पास डबल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से डेवलप हुई इम्यूनिटी है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग के मुताबिक वर्तमान में भारत में कोविड के 10 वेरिएंट हैं और इसके बावजूद भी कोरोना के मामलों में वृद्धि नहीं हो रही है। BF7 सब वेरिएंट भारत के लिए नया नहीं है। हमने पिछले कुछ समय से ओमिक्रॉन के विभिन्न सब वेरिएंट के कारण कोई भी बड़ी लहर नहीं देखी है, इसलिए कहा जा सकता है कि BF7 भी खतरनाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के नए मामले, लक्षण और उनका जोखिम भारत की अपेक्षा अलग है। चीन में बुजुर्ग और जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है वो लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं। वहाँ के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बहुत कम है। डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि चीन में अभी एक सब वेरिएंट के कारण इतने मामले बढ़ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। BF7 के कारण भारत में कोविड के लक्षणों में बदलाव देखे जाने की उम्मीद बहुत कम है। अगर कोई इस वेरिएंट से संक्रमित होता है तो उसे हल्के फ्लू जैसे लक्षण दिखेंगे जिसमें बुखार भी शामिल हो सकता है। संक्रमित होने के बाद आराम करके और पैरासिटामोल से घर पर ही आसानी से इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर गगनदीप ने बताया है कि भारत में BF7 के 4 मामलों में से किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं हुई है। ये वायरस श्वास नली के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले रहा है, वहीं डेल्टा वेरिएंट श्वसन तंत्र के निचले हिस्से को संक्रमित कर रहा था। हालांकि ये लहर सर्दियों के मौसम में हो रही है जिस समय अन्य वायरस भी एक्टिव हो जाते हैं, ये कोविड के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।